नेक्स्ट टॉपिक फ्राम द न्यूनेटोलॉजी इज़ अबाउट द न्यूनेटल सीजर्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज़ न्यूनेटल सीजर्स वट आर न्यूनेटल सीजर्स तो इसमें यह होता है कि सी एन एस के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट कर रही है बहुत ज़्यादा एकदम से पेरॉक्सिजमली तो पैरोक्मल पेरॉक्जिजमल जो हैं बर्ड्स हो रहे हैं ऑल्ट्रेशन हो रही हैं न्यूलॉजिकल फंक्शन में बिहेवियल मोटर और फंक्शंस या सारा कुछ दिस इज़ एक्चुअली न्यूनेटल सीजर्स अब जो है अगर पहले तीन दिन आफ्टर बर्थ बर्थ के तीन दिन के अंदर अंदर अगर न्यूनीटल सीजर्स होते हैं तो उनको हम कहते हैं अर्ली ऑन सेट न्यूनीटल सीजर्स और अगर तीन दिन के बाद होते हैं आफ्टर बर्थ दैट आर लेट ऑन सेट न्यूनेटल सीजर्स नेक्स्ट आता है वॉट आर द वर दजेस तो क्या कॉजेज होंगे हम पीछे देखा था ना हाइपोक्सिक स्कीमिक इनसेफ एलोपैथी हो रही थी ड्यू टू बर्थ स्की वजह से सीजर्स हो सकते हैं फिर अगर ब्रेन के अंदर हो गया क्या हैमरेज हो गया उसकी वजह से हो सकते हैं लाइक मैंने इसके अलावा फिर होता है कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन जो कॉज है ना न्यूनेटल सीजर्स का दैट इज़ हाइपोक्सिक स्कीमिक इनसेफ नेक्स्ट कॉमन कॉज इज़ इंट्राक्रेनियल हेमरेज जो हमने देखा था प्री मिच्योर इन्फेंट्स में बहुत कॉमन होता है फिर अगर ब्रेन में ऑब्वियसली मैंने है सेप्सिस है टॉर्च इन्फेक्शन है उनकी वजह से हो सकते हैं सीजर्स ईडियोपैथिक होते हैं फिर मेटाबॉलिक कॉजे हो जाते हैं लाइक उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज हुए हुए हैं फिर अगर ड्रग विड्रॉल हुआ हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले वो नारकोटिक्स ले रही थी मदर और अब उसने एकदम से छोड़ दिया पैरसीडेज पैरऑक्सीडेज डिफिशेंसी हो सकती है इसके अलावा ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं सीज़र्स कार्निक टेरिस की वजह से हो सकते हैं ठीक है तो दीज आर ऑल द काजेज ऑफ सीज़र्स उसके बाद आ जाती हैं इसकी टाइप्स ठीक है तो इसकी जो है ना फोर टाइप्स होती हैं सीज़र्स की ठीक है फ़ोर टाइप्स क्या है फिफ्टी परसेंट केसेस में जो सीज़र्स होते हैं सबसे ज़्यादा वो सबटल सीज़र्स होते हैं ठीक है सप्टल सीज़र्स के बारे में क्या है कि ये जो हैं सप्टल सीज़र्स जो हैं जो होते हैं इसके अलावा कौन सी दूसरी टाइप है क्लोनिक सीजर्स फिर टॉनिक सीजर्स और फिर मायोक्लोनिक सीजर्स सप्टल सीज़र्स के बारे में सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो प्री बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं इसमें क्या होती हैं आइज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टली डेविएट करती हैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द आई दिस इज आई तो आईज जो हैं वो हॉजटली मूव करेंगी ऐसे ऐसे आँखों की मूवमेंट ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाएगी हॉरीजोंटल डेविएशन ऑफ आइज़ फिर जर्किंग ब्लिंकिंग ऑफ आइज ऐसे ऐसे, ऐसे आँखें भरपड़ाएंगी फिर सकिंग ठीक है और बेबी जो है लिप स्मैकिंग करेगा यन करेगा अजीब अजीब उसके फेस की जो न चीज़ें होंगी और मूवमेंट्स ऐसे करना शुरू कर देगा जैसे वो स्विम कर रहा है या रोइंग कर रहा है मतलब वो जो करते हैं ना कश्ती के अंदर वो चलाते हैं रोज कश्ती चलाते हैं वैसे वाली पैडलिंग मूवमेंट्स इस तरह की मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है बच्चा तो इन दीज आर सप्टल सीजर्स प्रीमिच्योर बच्चों में ज़्यादा कॉमन है फिर क्लोनिक सीजर्स होते हैं क्लोनिक जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं फोकल हो सकते हैं मल्टी फोकल हो सकते हैं फोकल मतलब के बॉडी का कोई एक हिस्सा जो है ना वो सिर्फ अब्नॉमल मूवमेंट्स करेगा ठीक है और मल्टी फोकल मतलब के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सीज़र्स uh, में मतलब इबनॉमल मूमेंट्स से इन्वॉल्व होंगे फिर आते हैं टॉनिक सीजर्स टॉनिक सीजर्स जो होते हैं ये भी फोकल या जनरलाइज हो सकते हैं इसमें पूरी बॉडी की टोन इंक्रीज़ हो जाती है प्रीमीच्योर में भी ये ज़्यादा होते हैं प्रीमीच्योर में ज़्यादा होते हैं फिर आ जाते हैं मायोक्लोनिक सीजर्स मायोक्लोनिक सीजर्स जो हैं ये फुल टर्म में भी होते हैं और प्री टर्म दोनों में हो सकते हैं फोकल भी हो सकते हैं फोकल या जनरलाइज्ड भी हो सकते हैं ठीक है तो टॉनिक और सप्टल जो होते हैं ये प्रीमिचोर में होते हैं और मायोक्लोनिक दोनों में होते हैं फुल टर्म में भी प्री टर्म में भी हो सकते हैं और ये सीन होता है कि ये फोकल भी हो सकते हैं मल्टी फोकल भी हो सकते हैं ठीक है मतलब बॉडी के किसी एक पार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं सबटल में आपने याद रखना है फिफ्टी परसेंट केसेज़ में ऐसे अजीब अजीब मूवमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं पेडलिंग रोइंग स्विमिंग मूवमेंट्स और आइज़ के ऐसे ऐसे मूवमेंट्स लिप्स पैकिंग जॉनिंग इस तरह की चीज़ें ठीक है फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हम बात करें इसकी एवेलुशन की कि हमने बच्चे को एवेलुएट कैसे करना है सीज़र्स के अंदर सबसे पहले हमने बच्चे की एज नोट करनी है ठीक है ऐज में ये है कि अगर बर्थ हुई है और थोड़ी देर बाद ही सीज़र शुरू हो गए हैं बर्थ के थोड़ी देर बाद ही सीज़र शुरू हो गए हैं तो फिर हमने सोचना है कि दिस इज़ ड्यू टू मैं अगर यहाँ से आपको बताऊँ ये वाली हाँ पैराडॉक्सिन डेफिशेंसी की वजह से क्या होता है कि बर्थ के थोड़ी देर बाद ही सीजर शुरू हो जाते हैं ठीक है पैराडॉक्सिन की डेफिशेंसी की वजह से और अगर एस्फिक्सिया या बर्थ ट्रॉमा की वजह से ना एस्फिक्सिया या बर्थ ट्रॉमा इधर काज़ लिखे हुए हैं ना तो मैं यहाँ से कॉजेस बताती हूँ काज़स की बेसिस पे बताती हूँ सबसे पहले आ जाता है कि मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे को सून आफ्टर बर्थ जो है सीज़र्स आना शुरू हो जाते हैं इसका मतलब उसके अंदर पैरेडोक्सिन की डेफिशिएंसी थी अगर बच्चे को पहले दिन बर्थ के पहले दिन सीज़र्स हो रहे हैं विद इन थ्री डेज ऑफ लाइफ तो उसको वो क्यों हो रहे हैं एस्फिक्सिया की वजह से ठीक है अगर उसको पाँच से लेके सतवें दिन पाँच से सतवें दिन के दरम्यान में सीज़र रहे हैं तो दैट इज़ ड्यू टू हाइपो कैल्शियम की कमी की वजह से तो ये हमने डेज़ वाइज देख लिया कि इतनी डेज़ पे इस वक्त होगा तो ये सीज़र हम सोच सकते हैं इसकी कॉज़ ये इस इस डे पे होगा तो ये सीज़र की कॉज हो सकती है अब क्लिनिकल स्टेटस की बेस पे देखते हैं जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है अगर पेशेंट के जो फोन्टेनेले हैं वो बल्ज कर रहे हैं इसका मतलब उसको जो सीज़र हुआ है वो मैनजाइटस की वजह से हुआ है अगर उसकी सीज़र्स की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो इसका मतलब ये फैमिलियल सीज़र्स हैं अगर मदर की हिस्ट्री हमने ड्रग की हिस्ट्री ली है वो कहती है हाँ मैं ड्रग्स यूज़ कर रही थी लाइक बारबीचूरेट्स लाइक नार्कोटक्स और मैंने उनको छोड़ दिया तो ड्रग विड्रॉल की हिस्ट्री है तो इसका मतलब कि ड्रग विड्रॉल की वजह से बच्चे को सीज़र्स हुए हैं ठीक है और अगर बच्चे को ना अगर बच्चे को ना अ, पहले लेथार्जी हुई थी और उसके बाद उसको सीजर्स हुए हैं ठीक uh, है प्रिसडिड बाई लिथार्जी ड्यू टू एस्फेक्जिया और बर्थ ट्रामा तो वो भी एक चीज़ होती है कि उसका जो कॉज है ना मतलब सीज़र से पहले उसको लिथारजी थी तो इसका मतलब उसका जो कॉज है दैट इज़ एसफेक्जिया और बर्थ ट्रामा तो इससे ना एवेलुएशन से हम ये पता लगा सकते हैं एज वाइज के इस इस एज पे ये है तो ये सीज़र की कॉज हो सकती है कॉज को हम रूल आउट करने के लिए स्पेशली ये चीज़ें एवेलुएट करते हैं तो ये सब कुछ मैंने आपको वैल्यूएशन में बता दिया जो आगे लिखा हुआ है सारा उसके ऊपर से ठीक है उसके बाद आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस तो जो कॉज है उसको रूल आउट करना है लाइक like, मैं इनके काजेस से ही आपको सारा बता देती हूँ ठीक है कॉज से मैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ सी बी सी विद ई एस आर एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन्स मतलब फ़ॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द मेनजाइटस तो हमने कहा मेनन्जाइटस सेप्सिस और टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से सीजर्स हो सकते हैं तो so, हम क्या करेंगे सी बी सी ई एस आर सी रिएक्टिव प्रोटीनस करवा लेंगे ठीक है हमने कहा कि इन सब लेवल्स की कमी की वजह से सीजर्स हो सकते हैं तो so, हम क्या करवाएंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेंगे इंक्लूडिंग कैल्शियम ठीक है उसके बाद आ जाता है आ, हमने कहा कि ब्रेन में कोई मसला हो सकता है ना लाइक मैंने और ये सब कुछ तो इसके लिए हम सी बी सी एस आर सी प्रोटीन्स के साथ मैंने के लिए सी एस एफ का कल्चर भी करवा लेंगे ठीक है और इसके अलावा ब्रेन का अल्ट्रासाउंड और सी टी स्कैन भी करवा लेंगे और इसके अलावा ब्रेन की ई ई जी भी करवा लेंगे सीज़र्स के केस में ठीक है इंट्राक्रेनियल हैमरेज भी हमें सी टी स्कैन अल्ट्रासाउंड ब्रेन पे नज़र आ जाएगा और इसके साथ और इसके साथ ना हम बान क्रेटेन इनका लेवल और एल एफ टीज आर एफ टीज करवा लेते हैं ठीक है सो दीज आर द इन्वेस्टिगेश सीजर्स सी बी सी एस आर सी रेक्टिव प्रोटीन्स सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, इंक्लूडिंग कैल्शियम बन क्रेटिनियन एल एफ टीज आर एफ टी सी एस एफ एग्जामिशन क्रेनियल अल्ट्रासाउंड सी टी स्कैन और ई जी ठीक है ये सारी हमने इन्वेस्टिगेशन देख ली जो यहाँ लिखी हुई है। अब मैनेजमेंट में सबसे पहले वी हैव द जनरल मयर्स एंड देन वी हैव द स्पेसिफिक मयर्स सीजर्स के वक्त क्योंकि जो है वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो रही होती हैं तो हमने बच्चे की एयरवे को साफ़ रखना है क्लीन रखना है अगर उसकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हमने उसको वेंटिलेशन देनी है फ्री फ्लो ऑक्सीजन देनी है आईवी लाइन पास करनी है बेबी को वार्म रखना है और एस्पायरेशन का रिस्क है ना हमें और उसकी वजह से मतलब जो उसने खाना खाया होगा तो वो आ, सीजर्स के वक्त जो है उसके लंग्स के अंदर चला जा सकता है ना तो एस्परेशन हो सकती है तो आ, उसके लिए फिर हम एन जी ट्यूब डाल के सारा स्टमिक साफ़ कर लेते हैं बेबी का उसको नथिंग पर ओलर लगते हैं कुछ भी नहीं खिलाते ताकि एस्पायरेशन ना हो उसकी लैब्स जो हैं वो सेंड कर देते हैं जो हमने देखी कि ग्लूकोज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल वगैरह और इसके साथ साथ उसके वाइटल मोनिटरिंग करते हैं मतलब स्पोर्टिव मयर्स देते हैं सबसे पहले सीजर्स के लिए उसके बाद आती हैं स्पेसिफ़िक मयर्स स्पेसिफ़िक मेयर्स में यह है कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया हमें मिल रहा है तो उसके लिए हम टेन परसेंट ग्लूकोज देते हैं टेन परसेंट ग्लूकोज आईवी दे देते हैं ठीक है अगर टेन परसेंट डेक्सट्रोज़ वाटर से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम जो है वो टेन परसेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं टू करेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए टेन परसेंट ग्लूकोज आई वी और हाइपोकैलेसीमिया के लिए टेन परसेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट ठीक है और अगर उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम उसकी एंटी कन्वर्जन थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं जिसमें यू नो दैट वी हैव द फिनो बारबिटोन एंड डाइजिपाम ठीक है सो फिनो बारबिटोन इज़ ड्रग ऑफ चॉइस दैन डाइजिपाम डायजिपाम से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर वी हैव द पैराडोक्सी ठीक है तो क्या क्या है आई वी कैल्शियम ग्लूकोनेट आई वी ग्लूकोज टेन परसेंट सल्यूशन और इसके अलावा बारबिटोन डायसेपाम एंड पैराटॉक्सिन सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू सीजर्स इसमें आपको यही पता होना चाहिए बात सो बेबी गर्ल बेबी गर्ल जो है उसका वेट फोर पॉइंट थ्री के जी है और डायबिटिक मदर की बेबी है और उसको फिट्स पर हैं थ्री आवर्स आफ्टर बर्थ और बेबी ने अभी तक कुछ नहीं खाया तो डायग्नोसिस क्या होगा इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर होगा विद हाइपोग्लाइसेमिक फ़ैट्स ठीक है तो जब भी डायबिटिक मदर की बेबी को फेट्स पड़े होंगे तो यू विल कंसीडर कि जैसे अभी हमने डायबिटिक का टॉपिक पढ़ा भी था कि उसमें क्या होता है कि एकदम से जो इन ग्लूकोज़ एकदम से ज़्यादा होते बेबी में और आफ्टर डिलीवरी वो सब सारा हाई ग्लूकोज ख़त्म हो जाता है और इंसुलिन का लेवल ऑलरेडी हाई होता है तो वो सारे ग्लूकोज के एकदम ड्रॉप करवा देते हैं बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया होता है और प्रीजर्स में हमने एक कॉज उसका हाइपोग्लाइसीमिया भी पढ़ा है ना तो हम इसके टॉपिक में आंसर लिखेंगे इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर विद हाइपोग्लाइसेमिक फिट्स देन दे एय वास्ट यू द एट कॉजि ऑफ न्यूनेटल सीजर्स तो हम बता सकते हैं कि पेरीनेटल एसफिकिया हाइपोक्सिक्कीमिया स्कीमिकलोपैथी की वजह से इंट्राक्रीनियल हेमरेज की वजह से मेटाबॉलिक एबनॉमिलिटीज़ लाइक हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोन्यूट्रीमिया हाइपोन्यूट्रीमिया हाइपोकेलेसीमिया हाइपोमेग्नीसीमिया की वजह से हो सकता है इन्फेक्शन लाइक मिनन्जाइटसप्सिस टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है इसके अलावा पायोडोक्सिन की डिफिशेंसी की वजह से ड्रग विड्रॉल की वजह से हो सकता है फैमिलियल हो सकते हैं सीजर्स ठीक है इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन पैरेंजाइटस वगैरह के लिए हम क्या करते हैं सी बी सी एस आर प्रोटीन्स एंड सी एस एग्जामिनेशन एंड फॉर द इंट्राक्रेनियल हेमरेज के लिए हम क्या करवाते हैं क्रेनियल अल्ट्रासाउंड एंड सी टी स्कैन और ई करवा लेते हैं और मेटाबॉलिक प्रोफाइल करवा लेते हैं कि हमें कोई पता चल जाए कि उनके लेवल्स कैसे हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम यूरिया करटेिन आर एफ टीज एल एफ टीज ठीक है और ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेते हैं सो दीज आर द आर परफॉर्म इन केस ऑफ दिस दिस इज़ ऑल अबाउट सीजर्स नेक्स्ट हम जो है वो छोटे से टॉपिक्स कर लेते हैं अभी यूक्यूज़ वाले हमने सारे इंपॉर्टेंट कर लिए हैं नेक्स्ट हमारे जो सेकेंड और थर्ड प्रियोटी टॉपिक्स हैं उनको देख लेते हैं सो नेक्स्ट इज टो प्लाजमोसिस दिस इज़ अहमद हसन बुक उसमें से मैं आपको रिव्यू करवा रही हूँ चीज़ों को और जो है क्या है कि किसकी वजह से टोक्सोपलाजमोसिस होता है टोक्सोपलाजमा घोंड्या आई की वजह से क्या होता है कि जो कैट्स होती हैं जिनके अंदर ये वाला होता है ऑर्गेनिज्म कैट्स जो होती हैं फिर वो उसको इस ऑर्गेनिज़म को फ़ीसेस में निकालती हैं और जब हमारा उन कैट फीसीस के साथ कांटेक्ट आता है या अनपेस्टराइज मिल्क या रॉ अनकुक्ड मीट के साथ जो है वो हमारा कांटेक्ट आता है तो ये हमारे अंदर आ जाता है ठीक है तो उसकी वजह से ये प्राइमरी एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन मदर भी हो सकता है या रीएक्टिवेशन भी हो सकती है ठीक है तो जितनी देर बाद जो है मतलब प्रेगनेंसी में इक्वायर्ड होगा उतनी ज़्यादा इसकी ट्रांसमिस ट्रांसमेसीबिलिटी होगी फॉर एग्जांपल सेकेंड um, ट्राइमेस्टर में किसी को हो रहा है थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा है तो थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ये इन्फेक्शन uh, होता है मदर को तो उतनी ज़्यादा उसकी ट्रांसमें ट्रांस आगे वो ट्रांसफ़र होगा बेबी में ठीक है ट्रांसमेसिबिलिटी तो ये चीज़ हो जाती है तो अगर अर्लियर इन ये इसकी ट्रांस ट्रांसफ़र होता है ये तो उसकी वजह से स्वीर फीटल इफ़ेक्ट्स होते हैं लाइक बेबी को अगर मदर से आ जाता है इन्फेक्शन तो इट रिज़ल्ट इन अबॉर्शन स्टिल बर्थ और टेरोटोजेनिस अगर लेटर इन प्रेगनेंसी में होता है तो फिर ये सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है ठीक है उसके बाद आ जाते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो इसमें ट्राइड होता है जो आपने याद रखना है इसमें होता है हाइड्रोसेफलिस कोरियो रेटेनाइटस और इंट्रा कैरिनल दो जो हैं वो दिमाग की चीज़ें हैं कि हाइड्रोसिवलिस हो रहा है और ब्रेन के अंदर कैलसीफिकेशनस हो रही हैं और एक आंख की है कोरियो रेटेनाइटस इसके अलावा ये जो बाकी हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें ब्रेन छोटा रह जाता है माइक्रो से पहली आँखें छोटी रह जाती हैं माइक्रोफेलमिया सीजर्स होते हैं और अगर हम बात करें लिवर की तो हेपैटो स्प्लिनों में गहरी जॉन्डिस हो जाएगा रैश हो जाएगी थ्रोमोसाइटोपीनियाप अटैक किए हैं फीवर लिम्बरोपैथी डायग्नोसिस क्या होगा कि हम ऑर्गेनिज्म को निकाल लेंगे आइसोलेट कर लेंगे फ्रॉम बॉडी फ्लोइड्स एंड टिश्यूज़ सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाएंगे तो इसकी एंटीबॉडी टाइटर राइज हुआ होगा और पेरीनेटर डायग्नोसिस कर लेंगे ठीक है उसके बाद आ जाता है कि फर्दर हम क्या करते हैं कि इसको जो है ब्लड के अंदर भी अम्योटिक फ्लोइड में भी इसको मतलब ये बता रहे हैं कि जो हमने बेबी अभी वॉम के अंदर है तो उस दौरान हमें कैसे पता चल सकता है कि इसको टॉक्सोप्लास्मोसिस है तो हम बेबी के ब्लड लेते हैं फ़ीटस का फ़ीटस का ब्लड लेते हैं या एम्योटिक फ्लोइड लेते हैं उसके अंदर हम पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं या फ़ीटल ब्लड में हमें इस पैरासाइट की आई या आई एंटीबॉडीज़ मिल सकती हैं या पी के थ्रू हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं फिर सी एस एफ एग्जामेशन हम करेंगे तो क्योंकि इसने सी एस एफ़ में क्या करवाया हुआ है पीछे हमने देखा है सी एस एफ़ में जो है इसने वो करवाया हुआ है ना हाइड्रोस्टिफलिस करवाया हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव और सी एस एफ़ की प्रॉब्लम्स इसने करवाई तो जेंथोक्रोमिया में मिलेगा और प्लियोसाइटोसिस और प्रोटीन इंक्रीज मिलेंगी फिर हम सी टी चेस्ट एक्स रे त्रे, एक्स रेस कल करवा लेंगे तो उसमें इंट्राक्रेनियल क्लासीफिकेशनस मिल लेंगी ऑफेनमोलॉजिकल कर एग्ज़ाम करवाएंगे तो उसमें कॉडियोरेटेनाइटिस मिल जाएगा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका पारामिथेमीन सल्फ सल्फर और फॉलिक एसिड और अगर ऑक्यूलर इन्फेक्शन है तो उस केस में हम जो है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं ठीक तो है, है तो ट्रीटमेंट आपने याद रखना है पैरामिथामीन सल्फा और फॉलिक एसिड और इसके अलावा अगर सी एन एस या ऑक्यूलर इन्फेक्शन एक्यूट है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सो दिस वॉज अबाउट द हमारा जो टॉक्सोपलाजमोसिस है ये एम सी क्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी के बारे में आप पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से मेडिसिन में कि ब्लड से ट्रांसमिट होता है और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको हमने स्क्रीनिंग करनी होती है उनकी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन की अगर पॉजिटिव मिलती है तो मैंने आपको बताया था कि बेबी को केयर ऑफ न्यूबॉर्न में कि दोनों चीज़ें लगानी है हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगानी है और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगानी है फिर आती है टीबी टी के केस में हमने मदर का क्या करना है चेस्ट एक्सरे करवाना है अगर तो हमें नॉर्मल मिलता है तो कोई रिस्क नहीं है बेबी को लेकिन अगर चेस्ट एक्सरे मदर का हमें नॉर्मल मिलता है तो उस केस में फिर हम क्या करवाते हैं उसकी हिस्ट्री लेते हैं और अगर हिस्ट्री वगैरह नॉर्मल होती है तो हम कहते हैं कि इन्फेंट को कोई रिस्क नहीं है लेकिन अगर वो चेस्ट एक्सरे रे अब नॉर्मल है और हमने जो है उसकी हिस्ट्री भी अब नॉर्मल आ रही है कि हाँ उसको क्लोज़ कॉन्टेक्ट्स थे टी के और उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी ख़राब था तो हमने उसके लिए एसेट फास्ट स्मेयर्स ले लेने हैं फिर हमने क्या करना है बेबी के लिए आइजोन स्टार्ट करवा देनी है एंटी और मदर के लिए जो है मदर को हमने न, एंटी ट्यूबर्कुल थेरेपी देनी है फॉर सिक्स टू तो नाइन मंथ्स फिर हमने मॉन्टक्स टेस्ट करना है अगर तो पॉजिटिव आ रहा है बेबी के अंदर तो हमने ए टी टी थेरेपी कंटिन्यू रखनी है और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको डिसकन्टीन्यू कर देना है और उसकी जगह उसको बी सी जी बच्चे को दे देनी है ठीक है फिर रुबैला के बारे में आ जाता है रुबैला जो है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है और जब मदर के अंदर उबैला वायरस होगा तो वो मदर से बेबी में चला जाएगा ठीक है और सबसे ज़्यादा जो इसका चांस होता है इन्फेक्शन का अगर एम में पूछा जाए तो दैट इज़ फर्स्ट ट्राइमेस्टर चांसेस ऑफ फीटल इन्फेक्शन इज़ ग्रेटेस्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं कि ये हमारी पकड़ता है कानों को ठीक है कानों को पकड़ता है ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस करवाता है मेटाफे मेटाफिजियल जो बोन्स होती हैं उनकी लुसेंसिस करवाता है बी ओ टी सेल्स की डिफिशेंसिस करवाता है इसके अलावा रुबेला जो है ये ब्लूबेरी मफिन रैश करवाता है और ये बच्चे के गले के अंदर एक साल तक प्रजिस्ट करता है रुबैला ठीक है उसके अलावा ये आंखों के साथ आंखों भी को भी पकड़ता है कान को पकड़ता है आंखों को पकड़ता है आंखों के अंदर क्या करवाता है कैर कैटेरक्ट ग्लोकोमा कोरियोरेटिनाइटिस ब्रेन को देखें ब्रेन को ब्रेन के साथ वही कर रहा है जो टोक्सोपलाजमोसिस कर रहा था माइक्रोसिफेली माइक्रोफेलमिया और जॉन्डिस करवा रहा है पेटोसप्लीनोम गहली करवा रहा है जो कि सेम हमारे टॉक्सोपलाजमोसिस ने भी किया हुआ था इसके अलावा एडिशनल इसका क्या है हार्ट डिफेक्ट जिसमें पेटेंट डॉक्टर आर्ट्रोसिस हो गया पद मेरी आर्टिस्ट नोसिस हो गई ये थ्रोमोसाइडोपिनिया एनीमिया कर करवाते है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टें टॉक्सोपलाजमोसिस की थी वो मैंने आपको बताई थी कौन सी हाइड्रोसिफिलस था कोरिटेडाइटस था और इंट्राक्रेन क्लासिफिकेशनस थी और बैलक के केस में तीन इंपॉर्टेंट क्या है कैटरेक्ट आंखों का और फिर कानों का सेंसटिव न्यूरल हेयर लॉस और दिल का ठीक है पेटेंट डक्टस आर्टिशिस ये तीन तो आपने नहीं भूलें इसके डायग्नोसिस क्या होगा तो वही हो गया हम कल्चर ले लेंगे नेजल स्वैब कंजक्टाइवल स्क्रेपिंग यूरन सी एस एफ कल्चर्स हो गए हमारे सी एस एफ यूरन कंजकटाइवल और नेजल स्वैब ठीक है इसके अलावा सी एस एफ एग्जाम करवा लेंगे उसमें हमें क्या मिलेगी प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू सेल्स और हमें आई जी एम पॉजिटिव मिल जाएगी रुबेला की एंटीबॉडी पॉजिटिव मिल जाएगी और बोन्स को हम देखेंगे तो उसमें हमें मेटाफिजल ल्यूसेंसेज मिलेंगी ड्यू टू ऑस्टियोप्रोसिस प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं रुबैला की कि हम ससेप्टेबल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करें लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं देते वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट इसका कोई खास नहीं है फिर आ जाता है साइटोमेगलोवायरस साइटोमेगलोवायरस जो होता है ये ब्लड यूरन सेक्शुल कॉन्टेक्ट के थ्रू सिक्रीशन के थ्रू ट्रांसमिट होता है नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो सिमटोमेटिक होते हैं और टेन परसेंट के अंदर मोनो न्यूक्लियोस लाइक एल्नेस होती है वो जैसे इन्फेक्श वो वाला था ना इन्फेक्श मोनो उसकी तरह के अब ये क्या करता है ये सेंट्रल बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है साइटोमैगलो और ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है ठीक है और इसकी जो ट्रांसमिशन होती है वो वर्टिकल होती है मोस्ट कॉमन ह्यूमन वायरस जो वर्टिकली ट्रांसमिट होता है फीटस में वो अगर आपसे पूछा जाए तो दैट इज़ साइटोमैगलो ठीक है बाकी ये जो है न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट करवाता है फर्स्ट ट्वेंटी टू वीक्स ऑफ जेस्टेशन में ठीक है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जो इसकी हैं वही सेम सेम जो चीज़ें हैं वो पहले बता देती हूँ आई यू एनीमिया आर कोरियोरेटनाइटिस जॉन्डिस थ्रोमोसाइटोपिनिया जॉन्डिसटोसप्लिनोमली एबोमल एल ब्लू बरी मफिन रैश जो हमें रुबेला में भी मिल रही थी और पेरीवेंडिकुलर कैल्सिफिकेशनस डफनेस एंड न्यूमानिया मतलब ये सारी चीज़ें वही हैं जो ऊपर थी यहाँ पर दो एक्स्ट्रा हैं वो पेरी वेंडिकुलर कैल्सिफिकेशंस और न्यूमिया है डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे कल्चर ले लेंगे जिसमें यूरिन और सलाइवा का सरोलोजी कर लेंगे और एक्सरे एक्सरेस्काल और सीटी स्कैन करवा लेंगे जिसमें इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन हमें मिल जाएंगे इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन और हमें कहाँ मिल रही थी टॉक्सोप्लास्मोस में ठीक है और प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं ट्रांसफिन से वाले ब्लड को देखते हैं कहीं उनके अंदर इन्फेक्शन तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे कैंसाइक्लोबे फिर हर पे सिंप्लैक्स वायरस जो हार्पे सिम्प्लेक्स टू वायरस है जो जेनेटल आपको पता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वन जो होता है वो अपर बॉडी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है और टू वाला जो है नीचे जेनेटल एरिया का करता है तो ऑब्वियसली फीमेल को जेनेटल हर्पिस होगा तो वो बेबी में ट्रांसमिट होगा ठीक है तो एटी परसेंट इंट्रापार्ट में असेंडिंग इन्फेक्शन के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द सर्विक्स वजैन द तो बेबी इसके थ्री पैटर्नस होते हैं स्किन आइज माउथ सी एन एस डेसेमेनेटेड डिजीज और मदर की एंटीबॉडी पॉजिटिव प्रोटेक्टिव uh, नहीं होती बेबी के लिए क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है कि कॉरीरेटनाइट स्किन लियन माइक्रोसेफेली ये होगा इंट्रोनेटली uh, मतलब यूट्रस के अंदर पोस्ट नेटली बर्थ के बाद क्या होगा बर्थ के बाद जो है वेजाइकल्स निकल जाएंगे कैरेटो कैरेटोकडिसमेट डिजीज इंसपेलाइटिस डायगनोजिस क्या होगा वायरल कल्चर्स लेंगे लाइजा लेंगे जेंगसमेयर करेंगे ये इसका इंपॉर्टेंट होता है इसमें हमें जॉइंट सेल्स मिल जाते हैं और पी करेंगे लम्बर पंक्चर सी टी एमर है हेड प्रिवेंशन कैसे है कि हम अगर हमें पता चलता है कि मदर को हर पेस का इन्फेक्शन है तो हम सी सेक्शन करें उसका और बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी ना होने दें उसकी ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन इज एसाइक्लोवेर एंड सेकेंड लाइन वेडाराबीन This is all about the infections, urinary infections of next parts I mm -hmm. am good there.